अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको कट लेंथ के मुताबिक बताऊंगा कि आप क्रैंक या बेंट ऑफ बार्स की कट लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। मैं पूरी डिटेल के साथ इसके मुताबिक मैं बताऊँगा कि आप कैसे बना सकते हैं। इसका पूरा फार्मेट मैंने बनाया हुआ है, इसकी कैलकुलेशन नीचे पूरी डिटेल्स कैलकुलेशन है। इसी तरीके से जो सा बेंट आपके लिए फैक्टर यूज़ करेंगे तो वो भी आपको बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको एक वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर यूनिट वेट, मेन बार्स कैलकुलेशंस, बेंट्स के मुतालिक इसकी पूरी कैलकुलेशन शीट और इसी तरीके से हुक के मुतालिक कि आप हुक की लेंथ को कैलकुलेट की तो ये पूरी की पूरी शीट इसके अंदर होएंगी। इससे आगे मैंने एक और शीट बनाई है बेंट लेंथ बार्स के मुतालिक और ये उसका सेक्शन पूरा आपके सामने नज़र आ रहा है जिसमें ये क्लीयर स्पैन और इसके ये वॉल्स ये कॉलम। इसी तरीके से एच का मतलब आपका आपकी स्लैब हाइट और इस तरीके से ये बार आपकी बेंट अप जा रही है और उसके ऊपर ये इसका डाया इन बार दिया जा रहा है और ये आपकी एलडी है डेवलपमेंट लेंथ दोनों साइडों के ऊपर। तो इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से ये आप ये देख रहे हैं बेंट अप के सामने ये डी है, डी को भी हमने कैलकुलेट करना है और बेंट अप को भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये पूरी डिटेल मैं आपको इसके सामने बताता हूँ। इसके जो क्वांटिटीज़ के हिसाब से फार्मूलाज यूज़ होंगे वो सारे मैंने इधर साइड को लिखे हुए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको करा दूँगा, आपने ये येलो सेल के अंदर सिर्फ इनपुट्स करने हैं जो भी आपके इधर येलो सेल इस कॉलम के अंदर बने हुए हैं, आपने उनके अंदर इन फिगर्स को इंटर करना है। इसी तरीके सबसे पहला हमारा डेवलपमेंट लेंथ का है, डेवलपमेंट लेंथ हमारी 40D यूज़ होती है और डेवलपमेंट लेंथ जिधर भी कैलकुलेट करेंगे वो 40D के हिसाब से होएगी। 40 मल्टीप्लाइड बाई डाया पार तो ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ इधर आएगी। ये इधर आपको स्केच के अंदर नज़र भी आ रहा है। सेकंड नंबर के ऊपर डी की वैल्यू डेप्थ आपके पास स्लैब थिकनेस, आपके पास ये एच स्लैब थिकनेस है। आप इसमें से आप टू ऑफ कंक्रीट कवर जो आपका कंक्रीट कवर टैंक के अंदर दिया गया होगा वो आप माइनस कर दें और उसके अंदर से माइनस डाया ऑफ बार जो भी डाया आपका होगा उधर से इसको आप माइनस कर दें। इसी तरीके से ये आप एडिशनल्स लेंथ देख रहे हैं बेंट अप की तो ये उसके लिए फार्मूला है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई डी, उसकी डिटेल मैंने आगे कॉलम्स के अंदर बनाई हुई है, ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। और इसी तरीके से फोर नंबर के ऊपर आपने कट लेंथ को कैलकुलेट करना है, इसी हिसाब में उसका पूरा फार्मूला मैंने लिखा हुआ है सारा। तो ये नीचे इसकी कैलकुलेशंस वगैरह सारी हुई हुई हैं तो आए हम शुरू करते हैं इसको, हमने कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है और इसके अंदर पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे मैं इसके सेल्स को जो इनपुट डेटा है सारा ख़त्म कर देता हूँ, ख़त्म करने के बाद मैं आपको दोबारा जैसे पुट ऑफ करके दिखाऊंगा। इनपुट डेटा आपने सिर्फ येलो सेल को जो आपके येलो सेल्स हैं उसके अंदर आपने इनपुट करना है, इसके अंदर डेटा सिर्फ और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। नीचे इसी तरीके से लेंथ ऑफ आप स्लैब आ जाएगी जितनी आपकी लेंथ है और स्पेसिंग स्टील की सेंटर टू सेंटर वो आपने इसके अंदर सिर्फ पुट करनी है। इसी तरीके से क्लियर स्पैन आपके पास 6000 दिया गया है तो आप इधर एंटर कर दें 6000 को, डाया ऑफ बार 15.875 फाइव नंबर का स्टील है, इसकी आप यूनिट वेट कैलकुलेट पिक में मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। इसी तरह स्लैब थिकनेस एच आपके पास 200 mm है वो आप इधर एंटर कर दें और कंक्रीट कवर 25 mm हमारे पास है तो आप इधर से 25 mm इंटर कर दें या जो भी आपकी ड्राइंग के अंदर दिया गया है उस हिसाब से कर लें। इसके बाद अगला कॉलम है यूनिट वेट पर बाहर तो आप इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाई डी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162.2 कर दें तो ये आपके सामने उधर यूनिट वेट आ जाएगा बार का। अभी आप इधर से बार जो भी चेंज करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली उधर से यूनिट वेट उसका चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा था इनपुट वाला सेक्शन। इसी तरीके से नीचे आप आ जाएं तो सबसे पहले हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ है एलडी के नाम से, वो ये दोनों साइडों के ऊपर आपके सामने एलडी की लेंथ है तो इसी तरीके से उसका फार्मूला 40 मल्टीप्लाइड बाई टू और मल्टीप्लाइड बाई टू तो इज इक्वल टू आप करने के बाद 40 मल्टीप्लाइड बाई डाया अखबार वाले कॉलम जो आपने ऊपर इनपुट का स्टील का दिया था उसको आप इंटर कर लें तो ये 635 आपकी वन साइडेड की डेवलपमेंट लेंथ आई है। इसको मल्टीप्लाइड बाई टू कर देंगे आप इधर क्योंकि ये 2x दोनों तरफ हमारे पास होती है तो उसको मल्टीप्लाइड बाई आप टू कर दें तो ये आपके पास टोटल लेंथ डेवलपमेंट लेंथ आ जाएगी दोनों साइडों की, साइड ए और साइड बी की। इसी तरीके से डी हमारे पास जो डेप्थ है उसके हिसाब से फार्मूला ये आपके सामने डी जा रही है और पर मैंने हाईलाइट किया है इस पोर्शन के अंदर, ये आपका डी है तो डी के लिए आपने स्लैब थिकनेस माइनस कंक्रीट कवर करने के बाद और उसके अंदर से माइनस डाया ऑफ बार कर देंगे तो ये आपके सामने डी की वैल्यू आ जाएगी। आपने इसी तरीके से इज इक्वल टू करना है और
सबसे पहले आपने जो इनपुट किया था स्लैब थिकनेस एच, उसको सिलेक्ट करने के बाद माइनस ब्रैकेट लगाने के पास टू ऑफ कंक्रीट कवर, कंक्रीट कवर वाले कॉलम को आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसमें से माइनस आपने डाया बार कर देना है। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये डी की वैल्यू होगी इधर, तो ये वैल्यू आपने उस कॉलम के अंदर इसी तरीके से बना देनी है। इसके बाद थर्ड नंबर पर है एडिशनल लेंथ ऑफ बेंट अप, तो ये हमारे एच के नाम से ये इधर ऊपर हाईलाइट हुए भी आपको नज़र आ रहे हैं। इसके लिए एक फैक्टर यूज़ होता है 30 डिग्री 45 और 60 डिग्री के ऊपर 30 डिग्री के ऊपर 0.97 और इसी तरीके से 45 के ऊपर 0.412 और 60 के ऊपर 0.58। तो उसके लिए आपके पास जो फार्मूला है वो है डी डिवाइडेड बाई साइन एंगल आप लेंगे उसके अंदर से, जो सा भी आपके अंदर उसने डिग्री दी हुई है एंगल दिया हुआ है आपको, तो आप देंगे। इधर से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, तो आप इधर से डी के ऊपर क्लिक कर दें और सारे कॉलम्स के अंदर उसकी डिग्री के सामने जो से आपके पास एंगल हैं, ये तीन किस्म के एंगल मैंने इसके अंदर बनाए हुए हैं, तीन ही यूज़ होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो इसी तरीके से आपने डी रख देना है। उसके बाद आपने कॉलम ए और बी को आपने बनाना है डी, इसमें सबसे पहले आप डी डिवाइडेड बाई ब्रैकेट लगाएंगे और साइन आप टाइप करेंगे SIN, तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। डबल क्लिक कर दें और इसको रेडियंस उसके आगे लिख दें और उसके बाद आपके पास जो एंगल दिया गया है 30 डिग्री या 45 डिग्री, तो वो आपने जैसे सेलेक्ट करके डबल ब्रैकेट करने के बाद क्लोज कर देना है। तो ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री के सामने। तो इसी तरीके से आपने सेम टू सेम बी की वैल्यू को आपने जैसे उसके डी करने के बाद साइन रेडियन आर आप लिखेंगे कीबोर्ड के अंदर से, तो ये आपके सामने आ जाएगा। उधर से आपने एंगल उसका सेलेक्ट कर लेना 45 का, तो ये आपके पास 45 का ए आ जाएगा। इसी तरीके से 60 डिग्री का जो एंगल आपके पास है, तो उसके अंदर भी सेम टू सेम डी को आप सिलेक्ट करने के बाद साइन और रेडियन कर दें। आप एक्सेल में काम करेंगे तो आपने उसके लिए साइन के साथ या टैन के साथ रेडियन को ज़रूर यूज़ करना है। तो इसी तरीके से ये आपके सामने बी की वैल्यू है, उसके पहले हमने साइन को यूज़ किया था, तो उसके आगे हमने सेम टू सेम उसी तरह वर्किंग करते हुए हमने टैन को यूज़ करना है। सबसे पहले डी डिवाइडेड बाई टैन, टैन आप टाइप करें, डबल क्लिक कर दें, आपके सामने इधर फार्मूला बार में आ रहा होगा। आर टाइप करें रेडियंस और उसी तरीके से जो आपके पास एंगल्स हैं उसको आप सिलेक्ट कर लें, उसकी डिग्री को सिलेक्ट कर लें। इसी तरीके से सेकंड नंबर के ऊपर 45 के अंदर टैन रेडियन आर टाइप कर दें और इधर से 45 डिग्री को आप इधर से सिलेक्ट करके डबल ब्रैकेट करके क्लोज कर दें। और थर्ड नंबर के ऊपर 60 डिग्री के अंदर सेम टू सेम इसी तरीके से डी डिवाइडेड बाई टैन, उसके बाद रेडियन आर आप टाइप करके इधर सेलेक्ट कर दें और 60 डिग्री को आप टाइप कर दें। तो ये मेरे आपके सामने 30, 45 और 60 डिग्री के ऊपर मैंने ए और बी इसके कैलकुलेट कर दिए हैं। इसमें से आपके पास बेंट अप के अंदर जो भी एंगल आ रहा है वो अभी आपने इसी तरीके से बनाना है। ऊपर उसका फार्मूला है ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, तो आपने ए माइनस बी डिवाइडेड बाई डी कर देना है। तो ये आपके सामने 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 0.27। इसी तरीके से 45 को भी आपने सेम टू सेम कर देना है, तो आपके सामने उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.414। इसी तरीके से 60 डिग्री का बैंड है आपके पास, तो इसी तरीके से ए माइनस बी डिवाइडेड बाई डी कर दें, तो ये आपके सामने तीनों वैल्यू आ जाएंगे। अभी आपके ऊपर जौन सी भी डिग्री आपको दी गई है ड्राइंग के अंदर 30, 45 या 60, तो आप उसके हिसाब से यही वैल्यू यूज़ करेंगे जो आपके सामने आई है, इसी तरह उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये डी की जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं ये मैंने आपको इधर बता दिए हैं। इधर इसी तरीके से हमारे सामने जो एच आएगा छोटा एच, वो इज इक्वल टू 45 का एंगल है, तो 0.414 उसकी वैल्यू आ जाएगी। इधर से जो भी एंगल चेंज होएगा तो आप इधर से उसकी वैल्यू इधर से चेंज कर सकते हैं, ड्राइंग के हिसाब से देख सकते हैं और ख़ुद भी बना सकते हैं। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास बेंट अप की कैलकुलेशन है, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास 2 × H × D। 2 हमारे पास बेंट अप हैं, 2 और डी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, तो उसको हम इसी तरीके से इज इक्वल टू करने के बाद 2 × D H जो हमने ऊपर किया है इसी तरीके से × D को कर देंगे, तो ये हमारे पास जो बैटम की लेयर होएगी ये हमारे पास आ जाएगी दोनों साइडों की। हमने इसको 2 × कर दिया, तो ये दोनों साइडों की लेंथ हमारे पास आ गई है 11.113। तो इसी तरीके से बैंड डिडक्शंस हैं आपके पास, बैंड डिडक्शन के लिए वही फार्मूला कि अगर आपके पास 45 डिग्री है तो इधर 1D यूज़ होएगा इधर उस फार्मूले के हिसाब से, और 90 डिग्री के अंदर जो आपकी LD के अंदर जा रही हैं उसके अंदर आपका 2D यूज़ होएगा। तो इसी तरीके से ये फार्मूले मैंने इधर इसके सामने लिखे हुए हैं और फिगर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही है, तो आप इसको देख के बना सकते हैं। तो इसी तरीके से इसके अंदर 1
बैंड टाइम 45 डिग्री के, तो आपने 45 डिग्री के फोर बैंड्स को मल्टीप्लाई बाई करना है 1D के साथ। तो आप इजिक्वल टू कर ले 1 मल्टीप्लाइड बाई डाया ऑफ बार और मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे, तो ये आपके पास आपकी जो 45 एंगल के अंदर जो आपके बैंड्स हैं उसकी रिडक्शन आ जाएगी। इसी तरीके से LD की जो बैंड्स हैं हमारे पास वो 2 हैं, 2 के हमारे लिए फार्मूला यूज़ होएगा 2D, तो ये आपके सामने 2 बैंड्स हैं LD के अंदर 90 डिग्री के अंदर। तो आप इसी तरीके से इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई डाया ऑफ बार मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें, तो ये आपके सामने आपके जो डेवलपमेंट लाइन के अंदर जो आपके बैंड्स थे उसकी रिडक्शन आ जाएगी दोनों साइडों की। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम हमारे पास मेन कट लेंथ का कि क्लियर स्पैन प्लस LD मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई H, तो ये हमने सारी कैलकुलेशन इधर कर ली है उनको अलग अलग कॉलम्स के अंदर। तो अभी आपने जस्ट इधर से इज इक्वल टू करना है, तो सबसे पहले ऊपर क्लियर स्पैन 6000 आपने सेलेक्ट करने के बाद प्लस कर देना है, प्लस करने के बाद बैंड ऑफ LD वाली लेंथ मल्टीप्लाई बाई 2 आपने की हुई थी, इसी तरीके से बैंड ऑफ को आपने उसके अंदर प्लस कर देना है दोनों लेंथों को, और माइनस बैंड रिडक्शन 1 माइनस बैंड रिडक्शन 2 जो हमने की थी। तो ये आप करेंगे तो ये आपके सामने कट ऑफ लेंथ बार की आ जाएगी 7254.113, तो ये हमारी टोटल बैंड ऑफ बार की इधर कट ऑफ लेंथ आ गई है। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ मैंने और पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी और आपने कैसे करने हैं उसके आप मुतल्लिक आपने बैंड्स के मुतल्लिक और उसकी बैंड ऑफ के मुतल्लिक ये पूरी डिटेल बताई। नीचे इसी तरीके से इस लेंथ को अभी आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, मिलीमीटर्स के अंदर आई थी डिवाइडेड बाई 1000 कर लेंगे, तो ये लेंथ आपके पास मीटर में आ जाएगी। वेट कैलकुलेट करने के लिए कट लेंथ इन मीटर्स जो भी हमने करी है और मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट के साथ करेंगे, तो ये हमारे पास कट लेंथ का वेट आ जाएगा इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट, तो 11.271 kg हमारे पास एक बार का वेट आ गया। इसी तरीके से इस कॉलम के अंदर आपने इनपुट करना है आपके जो भी लेंथ आपकी आ रही है स्लैब की वो आपने इधर इंटर कर देनी है, और उसके अंदर से 2 ऑफ कवर कंक्रीट कवर आपने माइनस कर देना इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई कंक्रीट कवर 25 mm का था तो ये आपने माइनस कर देना, तो ये आपके पास लेंथ आ जाएगी 9950। तो इसी तरीके से स्पेसिंग है वो आपके टैंक के अंदर दी गई होगी, 200 की स्पेसिंग है या 150 की है 100 की है जितनी भी है वो आपने स्पेसिंग इस येलो सेल के अंदर ये दोनों इनपुट कर देना है। उसके नीचे नंबर ऑफ बार्स हैं उसका फार्मूला लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1, तो ये आपके सामने आप करेंगे तो आपकी नंबर ऑफ बार आ जाएंगी इज इक्वल टू कर लें लेंथ जो आपने भी लिखी है उसके डिवाइड कर दें स्पेसिंग के साथ प्लस 1 कर दें, तो ये आपके सामने बार्स नंबर आ जाएंगे। आप इधर से उसको 00 कर दें उसके डिजिट्स को, तो ये आपके सामने उसकी लेंथ आ जाएगी। अभी ऊपर से आप जो भी इधर से स्पेसिंग वगैरह आपकी चेंज होती है तो ये लेंथ आपकी नंबर के हिसाब से उसी तरह बढ़ेंगी। अगला टोटल लेंथ ऑफ बार्स, हमारी टोटल लेंथ ऑफ बार्स कितनी आई है, तो अब इसीलिए 51 हमारे पास टोटल लेंथ थी, तो मल्टीप्लाइड बाई 1th लेंथ इन मीटर में जो आई थी उसको साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल लेंथ 368.146 मीटर आ जाएगी। वेट ऑफ टोटल बार्स का आप इसी तरीके से आपके पास टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 1 यूनिट वेट जो आपका बार का आया था उसके साथ आप कर देंगे, तो आपके पास 4149.36 kg टोटल वेट आ जाएगा, और टन्स के लिए आप इसको डिवाइडेड बाई 1000 कर दें तो 4.149 उसका वेट टन्स के अंदर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसकी पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद भी आएगी और बहुत ही आसानी के साथ आप इसकी कैलकुलेशन को समझ भी गए होंगे और इस तरीके से करते हुए अपनी पूरी पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर बैंड और हुक की कैलकुलेशन के मुताबिक मैं पूरी डिटेल के साथ बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल के अंदर उसको देखें। और ये शीट मैंने आगे इसी तरह कंटिन्यू करता जाऊँगा, बैंड के साथ आगे आपको मुख्तलिफ कैलकुलेशन और भी बताऊँगा इसी तरीके से, तो आप मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा। अल्लाह हाफिज़।